दोस्तों मैंने मेरे फेसबुक पेज पर एक टेढ़े तरीके से इन स्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स को यहाँ पर सेटअप कर लिया है और दोस्तों मैं मेरे फेसबुक पेज से अर्निंग भी कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड में यह मेरा फेसबुक पेज है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन स्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल्स ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहां पर देखिए दोस्तों, मेरी अर्निंग भी चालू है। अगर दोस्तों आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, एक मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने फेसबुक पेज पर इन स्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स को सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, जैसे कि 99% क्रिएटर जो अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल पर काम करते हैं, पर दोस्तों उनके फेसबुक पेज प्रोफाइल पर अभी तक इन स्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल्स उनको नहीं मिला है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा टेढ़ा तरीका बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपने फेसबुक पेज पर इन स्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स को आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं, वहां से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर एक नया नया फेसबुक पर पेज बनाते हैं, वह अपना ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, पर दोस्तों उनके अंदर कुछ स्किल नहीं होती है, कुछ ऐसी कला नहीं होती है जो कि दोस्तों वो अपने फेसबुक पेज पर वीडियो को वायरल कर सके। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, व्यू नहीं आएंगे, तो आपके फेसबुक पेज पर दोस्तों फॉलोअर और वहां पर दोस्तों जो कि क्राइटेरिया रहता है 60,000 मिनट का, दोस्तों वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों आपके फेसबुक पेज प्रोफाइल पर दोस्तों इन स्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल्स आपको सेटअप के लिए नहीं मिलेगा। या फिर दोस्तों आप अपने फेसबुक पेज पर कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट अपलोड करके आप अपने फेसबुक पेज का सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर भी लेते हैं, पर दोस्तों फिर भी आपको वहां पर इन स्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल सेटअप के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपके फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत आती रहती है। तो दोस्तों चिंता मत करें, आज मैं आपको एक ऐसा कंटेंट बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे अगर आप अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल पर डालते हैं तो दोस्तों आपके फेसबुक पेज प्रोफाइल पर दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत नहीं आएगी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों। और फिर आप अपने फेसबुक पेज पर उस कंटेंट को डालकर वहां पर 5,000 फॉलोअर्स वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करके, 60,000 मिनट वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करके आप अपने फेसबुक पेज पर इन स्ट्रीम एड को सेटअप कर सकते हैं, बोनस वाले को सेटअप कर सकते हैं, एड्स ऑन रील्स वाले को भी आप सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और आपको अभी तक इन स्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल से सेटअप के लिए नहीं मिला है, या फिर दोस्तों आप फेसबुक पेज प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहे हैं और दोस्तों आप भविष्य में मान लीजिए कि अब अगर आप फेसबुक पेज प्रोफाइल से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दूंगा जिसे आप फेसबुक पे डालिए और सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए बिना कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के, वहाँ पर दोस्तों इन स्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स को आप सेटअप कर सकते हैं। पहले दोस्तों आप यहाँ पर साइड में देखिए, यह मेरा फेसबुक पेज है दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जिस पर 11,000 फॉलोअर्स है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट अपलोड किया जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था और दोस्तों जिससे मुझे फॉलोअर्स मिले हैं, यहाँ पर सारा क्राइटेरिया कंप्लीट किया फिर मैंने, और दोस्तों बिना कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के मैंने इन स्ट्रीम एड को सेटअप किया और दोस्तों ना ही यहाँ पर अर्निंग स्टेटेड आया है। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं ओरिजिनल कंटेंट डाल के इस फेसबुक पेज से दोस्तों मैं लाइफ टाइम अर्निंग करूँगा। अब दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने जो कंटेंट अपलोड किया है दोस्तों, उस फेसबुक पेज पर वहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा एक और प्रोफाइल है दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मोनेटाइजेशन वाले टूल्स के अंदर लेकर चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों इन स्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत नहीं आ रही है। 100% गारंटी के साथ दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपके फेसबुक पेज प्रोफाइल पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत नहीं आएगी तो आपका फेसबुक पेज 100% मोनेटाइज होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक बता रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन टिक मतलब एलिजिबिलिटी कंट्री इंडिया में दोस्तों इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉलोवर मेरे 500 हो चुके हैं,
3-5 लाइव वीडियो जो भी बोले दोस्तों वो कंप्लीट है। यहाँ पर दोस्तों मिनट भी काउंट हो रहे हैं। यहाँ पर बैक जाता हूँ दोस्तों इस फेसबुक प्रोफाइल पर मैं कौन सा कंटेंट डालता हूँ दोस्तों, पहले यह देखिए। यहाँ पर दोस्तों मैं IPL के रिलेटेड यहाँ पर वीडियो डालता हूँ। अभी आपको पता है IPL का सीजन चल रहा है, सभी लोग IPL की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों आप IPL ही मत देखिए, आप IPL की वीडियो से पैसे कमाने का तरीका भी सीखिए। यह देखिए यहाँ पर सारी IPL की वीडियो अपलोड कर रखी है। और दोस्तों फेसबुक पर किसी का बाप मुझे कॉपीराइट नहीं दे सकता, ना ही आपके फेसबुक पेज प्रोफाइल पर पॉलिसी इशू की दिक्कत आएगी। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप अपने फेसबुक पेज पर इनस्ट्रीम ऐड को मोनेटाइज कर सकते हैं। चाहे कितने भी फेसबुक पेज बना ले, वहाँ पर इनस्ट्रीम ऐड को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, भैया वहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है, ऐसा कंटेंट बताओ जिसे अपलोड करके हम अर्निंग कर सकें, ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं लगेगी और हमारा फेसबुक पेज आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यह IPL का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, IPL वाला जो कंटेंट दोस्तों, क्रिकेट के जो वीडियो है वह आप अपने फेसबुक पेज पर डालिए, आपका फेसबुक पेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होगा। अब दोस्तों आपको काम किस तरह से करना है, आपको यहाँ पर YouTube पर आना है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है IPL हाईलाइट 2024 दोस्तों, इस तरह से सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों कुछ वीडियो यहाँ पर दिखेगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। एक चैनल आपको बताता हूँ जिसका नाम है मिस्टर क्रिकेट शॉर्ट्स। आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा वीडियो नहीं डाली है, मात्र 330 वीडियो अपलोड की है। यहाँ पर फॉलोअर देखिए 2 लाख हो चुके हैं। तो आप भी अपने फेसबुक पेज पर दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट कंटेंट उठाकर भी अपलोड कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा स्मार्ट दिमाग यूज़ करना है। आपको देखना है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वीडियो है, वीडियो आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। वीडियो में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर फोटो वगैरह एडिट है, कोई सॉन्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से जब डाउनलोड कर देते हैं तो दोस्तों उस वीडियो में सॉन्ग भी आता है, जो म्यूज़िक रहता है। बहुत सारे क्रिएटर यही गलती कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से रील उठा ली, फेसबुक से उठा ली, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है उससे वीडियो उठा लिया, उठा उठा के फेसबुक पे डाल देते हैं, 5000 फॉलोअर, 60000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाने की, तो उसे मोनेटाइज करवाना चाहते हैं। जब भी वो मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो इनस्ट्रीम ऐड उनको मिल जाता है, पर वहाँ पर तुरंत अर्निंग स्टैग्नेट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपने अपने फेसबुक पेज पर पहले से ही दूसरे के कंटेंट डाल रखे हैं, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपके फेसबुक पेज पर अनओरिजिनल कंटेंट की दिक्कत रहती है। तो आपको यहाँ से सीधे उठाकर नहीं डालना है, आपको ये वीडियो देखना है, यह वीडियो यहाँ से उठा लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि फेसबुक पर आना है, यहाँ पर फेसबुक को ओपन करना है, रील्स वाले आइकन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लिया जाए ये आपकी वीडियो है, अब दोस्तों आपकी वीडियो में सॉन्ग रहेगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला जो ये वॉल्यूम रहता है दोस्तों, यह उसका वॉल्यूम है जो हमने रील्स वीडियो उठाई अभी कहाँ से और उसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम है। तो उसका वॉल्यूम पूरी तरह से डाउन कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एड म्यूज़िक पे क्लिक कीजिए, फेसबुक का म्यूज़िक यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे वैसा म्यूज़िक यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ कीजिए, जब भी आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ करोगे तो आपकी रील्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होगी। तो बहुत ही कम टाइम में, 1 महीने या 15 दिन के अंदर आप अपने फेसबुक पेज का 60000 मिनट और 5000 फॉलोअर आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप अपने फेसबुक पेज को बिना कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के भी मोनेटाइज करवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो आपका फेसबुक पेज 100% मोनेटाइज होगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक पेज पर काम नहीं करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों वो देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे पेजेज हैं जहाँ पर मैं काम करता रहता हूँ दोस्तों। और इन फेसबुक पेज की रीच भी अच्छी खासी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैं किसी और का कंटेंट यूज़ करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खासे मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं, फेसबुक पेज की रीच बढ़ रही है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि फेसबुक पर दूसरे का कंटेंट डालते हैं, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो रील्स वीडियो को डिलीट कर देते हैं।
अब भैया आप जब रील्स वीडियो को डिलीट करते हैं ना, तो वो वॉच टाइम जो रहता है 60,000 मिनट का, वो भी माइनस हो जाता है। फिर फॉलोवर आपके वहाँ पर अटके रहते हैं। फिर आप जब अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करते हैं पर आपका वॉच टाइम तो वहाँ पर ड्रॉप हो चुका है, तो आपके फेसबुक पेज पर इनस्ट्रीम एड वाला मोनेटाइजेशन टूल्स आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने जो कंटेंट बताया है उस कंटेंट को डालिए दोस्तों आप अपने फेसबुक पेज पर। और दोस्तों आपके फेसबुक पेज पर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बिना गलती वहाँ पर काम करोगे। यह देखिए एक और फेसबुक पेज है, यहाँ पर रीच देख सकते हैं 7,300 है। और दोस्तों इस फेसबुक पेज पर यहाँ पर दिखाऊँ मैं, यहाँ पर देखिए सारे यहाँ पर दोस्तों जितने भी रील्स वीडियो ये सारे कॉपी पेस्ट मैंने कर रखे हैं। ये देखिए सारी वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, पर मैंने सब फेसबुक का म्यूज़िक यूज़ किया है। बहुत सारे क्रिएटर क्या बताते हैं कि फेसबुक का म्यूज़िक यूज़ करने से वहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की दिक्कत आती है, फेसबुक पेज प्रोफाइल पर कोई दिक्कत आती है। भैया कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आप अपने फेसबुक पेज पर बेझिझक काम कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया है जिसे यूज़ करके, एक ऐसा कंटेंट बताया है जिस कंटेंट को अपलोड करके आप अपने फेसबुक पेज पर इनस्ट्रीम एड वाले मोनेटाइजेशन टूल्स को आप जल्दी से सेटअप कर सकते हैं। मैं फेसबुक से पैसा कमा रहा हूँ, फेसबुक का पैसा है, आप भी कमा सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी को दबाएँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।